स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मनमोहन देसाई सर जी के डायरेक्टिंग करियर और मूवी का बजट और कलेक्शन सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मनमोहन देसाई सर जी ने अमिताभ बच्चन सर जी के साथ ज़्यादातर मूवीज़ की हैं जो कि सुपरहिट और ब्लॉक पोस्टर रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी टॉप मूवीज़ में रही हैं अमर अकबर एंथोनी, नसीब, ब्लफ मास्टर, सच्चा झूठा, कुली और मर्द। इनका जन्म 26 फरवरी 1937 को बम्बई में हुआ। इनके पिता का नाम काकू भाई देसाई, इनकी माता जी का नाम कलावती और इनकी शादी जीवन प्रदा देसाई के साथ 1969 में हुई और इनकी डेथ 1 मार्च 1994 को मुंबई महाराष्ट्र में। उनके डायरेक्शन बनने वाली सबसे पहली 1960 में आई थी छलिया। इस मूवी में राज कपूर नूतन प्राण थे। इस मूवी का बजट 45 लाख था। इस मूवी ने 65 लाख की कमाई की ओर एवरेज रही। अगली 1963 में आई थी ब्लफ मास्टर। इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शम्मी कपूर, सायरा बानो थी। इस मूवी का बजट 45 लाख था। इस मूवी ने 1 करोड़ की कमाई की एवरेज रही। अगली 1966 में आई थी बदतमीज, जिसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शम्मी कपूर, साधना मरोमत में। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1968 में किस्मत। इस मूवी को मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में बबीता और विश्वजीत थे। इस मूवी का बजट 60 लाख था। इस मूवी ने 1 करोड़ 70 लाख की कमाई की एवरेज रही। अगली 1970 में आई थी सच्चा झूठा, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, मुमताज, विनोद खन्ना थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 20 लाख था। इस मूवी ने 2 करोड़ 75 लाख की कमाई की ओर सुपरहिट रही। अगली 1972 में आई थी राम कपूर का लक्ष्मण, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी का बजट 75 लाख था। इस मूवी ने 1 करोड़ 50 लाख की कमाई की ओर हिट रही। अगली 1972 में आई थी भाई हो तो ऐसा, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें जितेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा थे। इस मूवी का बजट 70 लाख था। इस मूवी ने 1 करोड़ 25 लाख की कमाई की ओर सेमी हिट रही। अगली 1973 में आई थी आग गले लग जाए, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शशि कपूर, शर्मिला टैगोर थे। इस मूवी का बजट 75 लाख था। इस मूवी ने 1 करोड़ 50 लाख की कमाई की ओर हिट रही। अगली 1974 में आई थी रोटी, इस मूवी को मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी का बजट था 1 करोड़। इस मूवी ने 2 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली 1977 में आई थी परवरिश, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शबाना आजमी थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 66 लाख, इस मूवी ने 3 करोड़ 75 लाख की कमाई की और हिट रही। अगली 1977 में आई थी धर्मवीर, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 70 लाख था। इस मूवी ने 6 करोड़ 75 लाख की कमाई की और ब्लॉकबस्टर रही। अगली मूवी 1977 में आई थी चाचा भतीजा, इस मूवी को मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, योगिता बाली थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 75 लाख था। इस मूवी ने 3 करोड़ 50 लाख की कमाई की और सुपरहिट रही। अगली 1977 में आई थी अमर अकबर एंथोनी, इस मूवी को मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 75 लाख था। इस मूवी ने 7 करोड़ 25 लाख की कमाई की और ब्लॉकबस्टर रही। अगली 1979 में सुहाग, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बाबी, रेखा थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 50 लाख था। इस मूवी ने 10 करोड़ की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगले 1981 में आई थी नसीब, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। इस मूवी ने 11 करोड़ की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगले 1982 में आई थी देश प्रेमी, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, नवीन निश्चल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। इस मूवी ने 3 करोड़ 60 लाख की कमाई की और एवरेज रही। अगली 1983 में आई थी जिसका नाम था कुली, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन जी ने चोट खाई थी। इसमें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। इस मूवी ने 11 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अगली 1985 में आई थी मर्द, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, दारा सिंह, निरूपा राय थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। इस मूवी ने 8 करोड़ की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली 1988 में आई थी गंगा जमुना सरस्वती, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, मीनाक्षी सेठी, मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1989 में तूफान, इसको केतन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था, मनमोहन देसाई जी ने प्रोड्यूस किया था। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1993 में अनमोल, इसको केतन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था, मनमोहन देसाई जी ने प्रोड्यूस किया था। इसमें ऋषि कपूर, मनीषा कोरेला, जॉनी लीवर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ये मनमोहन देसाई जी की लास्ट मूवी थी, क्योंकि इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी थी।
तो ये मनमोहन देसाई जी का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इसमें से कौन सी मूवी आपके सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या डायरेक्टर या एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।